नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं शक्तिपीठ श्री श्री बड़ी पटन देवी। एक आस्था है, एक अति आप कह सकते हैं कि कृपा है श्रद्धालुओं का। जब दौर देखिएगा तो नवरात्र में खास करके भीड़ होती है और वो भीड़ जो है लाखों की संख्या में जाती है। यहाँ पर इस मंदिर के निर्माण कार्य में अपडेट करने के लिए आए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गर्भगृह निर्माण, एक नए गर्भगृह के निर्माण जो है काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। इस पूरे मौके पर देखा जाता है तो आज से कुछ दिन पूर्व में पटना DM या फिर DDC पटना सिटी अनुमंडल पदाधिकारी के संग में एक अहम बैठक हुई थी पटना में, और तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई थी कि मंदिर को निर्माण, गर्भगृह का निर्माण हर हालत में नवरात्र के पूर्व हो जाना चाहिए। ऐसे देखा जाता है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काफ़ी इसमें दिलचस्पी है और काफ़ी एक अटूट आस्था को लेकर जल्द से जल्द निर्माण कराने के इच्छुक है। हमारे पीछे देखिएगा तो ये ठीक है गर्भगृह, यहाँ पर देखिएगा सामने आ रही है, अभी कार्य चल रही है। हम तमाम चीज़ों से आपको अवगत करवाएंगे और यहाँ के जो महंत हैं उनसे भी जानकारी लेंगे क्या इस मंदिर नए गर्भगृह निर्माण नवरात्र के पूर्व में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, उस पर भी जवाब सवाल हम करेंगे। और साथ में एक भव्य रूप से श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका मिलेगा। बाबा प्रणाम, जय माता दी, जय माता। बाबा, अभी कुछ दिन पूर्व में पटना DM की एक अहम बैठक हुई थी इस गर्भगृह के निर्माण को लेकर। हाँ। पटना सिटी अनुमंडला पदाधिकारी DDC यहाँ के इंजीनियर। हाँ। क्या लग रहा, क्या अपडेट है बाबा? लगे हुए हैं तो जोर शोर से लगा हुआ है, लोग आगे देखिए, उम्मीद है कि भगवती इस बार नवरात्र में वहीं चली जाएगी और किसी विशेष कारण से जो भी हो, लेकिन लगा हुआ है लोग सबको। ये गुंबद कितने फीट का रहेगा बाबा? 63 फीट है, नीचे से लेकर के ऊपर तक जो गुंबद जाएगा, उसके बाद ऊपर कलश। 63 फीट के बाद ऊपर कलश है। अच्छा। तो 63 फीट ऊपर बन जाने के बाद तब ऊपर से कलश, कलश का भी नाप लगभग चला गया है। कल कलश क्या चीज़ का रहेगा? ओ, तांबा पीतल और क्या क्या मिला के धातु करके बनाता है लोग, उसी का बन रहा है। तो श्रद्धालु जो नवरात्र का समय आने वाला है तो नए भवन में माता रानी का दर्शन करेंगे। कोशिश में तो सबको ही लगा हुआ है, आगे भगवती का इच्छा जब जाना चाहेगी तभी ना होगा। जब तक पूरा गुंबद नहीं बनेगा तब तक तो भगवती प्रवेश नहीं करेगी, जब बन जाएगा गुंबद तब भगवती प्रवेश करेगी। आने जाने की सुविधा हो जाए, लोग दर्शनार्थी दर्शन कैसे करने के लिए जाएंगे, उस जगह बन जाएगा तब। क्योंकि दूर दराज के जो भी श्रद्धालु से पूछ रहे हैं कि कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे तो 1 महीना का समय दिया हुआ है जी। सितंबर तक माने अगस्त ही तक है, लेकिन आधा सितंबर तक हो रहा है कि उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाना चाहिए। श्रद्धालु लोग आएंगे अपना जी, 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 जी। नए भवन में माता रानी बहुत जल्द आने वाली है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग भी जल्दी आएंगे मिलने के लिए माता रानी से। माता रानी हम लोग सबका मनोकामना पूर्ण करें, बस और कुछ नहीं। ये है शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी के महंत पंडित विजय शंकर गिरी जी ने, और बताएं खास करके कि लगभग कंप्लीट है, सिर्फ गुंबद जो लगना बाकी है, ताकि तमाम श्रद्धालु माता रानी को एक नए भवन में दर्शन करने के लिए मिलेंगे। और यहाँ जब देखिएगा तो वर्कर काफ़ी ज़ोर शोर से है, और यहाँ नीचे से लेकर 63 फीट का ऊंचाई है और कुछ ही फीट बच गया है, उसके बाद एक भव्य रूप से तमाम श्रद्धालु जो दूर दराज से जो आएंगे और खास करके स्थानीय, चाहे वो पटना हो या फिर पटना सिटी के जो श्रद्धालु हैं, एक भक्ति भाव लेकर यहाँ पर आएंगे और माता रानी एक नए गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। एक अपार रहेगा क्योंकि नवरात्र का महीना जो है अब बहुत से कुछ ही दिनों बाद नवरात्र का आगमन हो जाएगा। SSI2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।